हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वन टू टेक टिप्स। तो आज बात करने वाले हैं इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के बारे में। दोस्तों, आप में से कई लोग कंफ्यूज रहते होंगे कि क्या इंटरनल वाली ड्राइव ज़्यादा बेटर रहती है, और अगर एक्सटर्नल वाली परचेज करें तो क्या वो इंटरनल की जैसे परफॉर्मेंस देगी या नहीं देगी। आज इन सब सवालों का मैं आपको जवाब देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल हार्ड ड्राइव्स के बारे में। तो इंटरनल हार्ड ड्राइव्स आपने देखी होगी दोस्तों, जो हमारी बेसिकली मैकेनिकल वाली हार्ड ड्राइव्स होती हैं, जो फिक्स होती हैं कंप्यूटर कैबिनेट्स के अंदर और जो साटा और पावर केबल से चलती हैं 12 वोल्ट के ऑपरेशन से। दोस्तों, जो एक्सटर्नल वाली ड्राइव है वो केस में बंद होती है। आप लोगों ने देखा ही है, एक केस में बंद रहती है, बट होती बेसिकली वो भी एक मैकेनिकल हार्ड ड्राइव ही है। सेम जो हमारी हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर होती है, वही जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, सेम वही ड्राइव होती है, बट इनका जो इंटरफेस का तरीका है वो अलग होता है। एक्सटर्नल वाली जो ड्राइव है वो यूएसबी पे चलती है, यूएसबी 2.0 या फिर जो अभी लेटेस्ट 3.0 या 3.1 यूएसबी चल रही हैं। तो इनकी जो स्पीड होती है 2.0 पे वो 480 मेगाबाइट्स पर सेकंड होती है, और यूएसबी 3.0 पे लगभग 5 गीगाबाइट्स पर सेकंड आपको देखने को मिल जाएगी। तो बट कई लोग क्या सोचते हैं कि इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, बट मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये इतनी स्लोअर होती हैं कि इन पे ऑपरेटिंग सिस्टम हम नहीं डाल सकते हैं। इसीलिए इंटरनल हार्ड ड्राइव्स काम में आती हैं। इंटरनल हार्ड ड्राइव्स बेटर ऑपरेट करती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, इंस्टीड ऑफ जो हमारी एक्सटर्नल ड्राइव्स है वो। तो एक्सटर्नल ड्राइव्स किस काम आती हैं? तो एक्सटर्नल ड्राइव्स दोस्तों आप लोगों को पता ही है, जिनको बैकअप्स बनाने होते हैं और फाइल्स को इधर से उधर ज़्यादा ट्रांसफर करना होता है, इस काम आता है। तो जो एक्सटर्नल ड्राइव्स होते हैं वो बेसिकली पोर्टेबिलिटी के काम आते हैं, वो काफ़ी पोर्टेबल होते हैं। और अगर साइज़ की बात करूँ तो वो लाइटर भी होते हैं और थिनर भी होते हैं। बेसिकली जो आपको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स हैं उसके अंदर जो मैकेनिकल हार्ड ड्राइव होती है, वही सेम इंटरनल वाली, वो 2.5 इंचेस के फॉर्म फैक्टर में देखने को मिलेगी, और जो इंटरनल वाली हार्ड ड्राइव होती है वो आपको 3.5 इंचेस के फॉर्म फैक्टर में देखने को मिलेंगी। वो थोड़ी सी मोटी होती है, थिकर इन साइज होती है, और उनकी जो स्पीड होती है रनिंग की वो 7200 आरपीएम होती है, और जो एक्सटर्नल वाली हार्ड ड्राइव होती है वो स्लोअर होती है 5200 आरपीएम के साथ। इसीलिए जो इंटरनल वाली हार्ड ड्राइव्स हैं वो ज़्यादा स्पीड में तो होती हैं दोस्तों, बट वो पोर्टेबल नहीं होती है। तो आपको कौन से वाले बेटर ऑप्शन चूज़ करने चाहिए, इंटरनल या एक्सटर्नल, दोनों में दोनों के क्या बेनिफिट्स है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सी वाली जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है वो बेटर रहेगी। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा लार्ज कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको बल्क में फाइल्स रखनी होती है एक्सटर्नली, तो आप जा सकते हैं सीगेट की एक्सपेंशन 8 TB एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स के साथ। अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो बहुत बढ़िया हार्ड ड्राइव है। इस प्राइस पॉइंट में आपको ये एक्सटर्नल वाली ड्राइव बहुत ही बेटर रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो लोग थोड़ा बहुत केयरफुली अपनी जो हार्ड डिस्क होती है एक्सटर्नल वाली, उनको नहीं रख पाते हैं, क्या कहते हैं, उनसे केयरलेसली गिर वगैरह जाता है, तो और उसमें जो रिस्क के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों, मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स अगर गिरी तो टूट जाती है, समझो खत्म, खराब हो जाती है बिल्कुल ही, तो उनको काफ़ी संभाल के रखना पड़ता है। तो जो ये वाली हार्ड ड्राइव मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है ट्रांसेंड की 1 TB की जेट M3। ये बहुत ही बढ़िया हार्ड ड्राइव है दोस्तों, ये एक बहुत बढ़िया शेल कवर में आती है, जिससे अगर हार्ड ड्राइव गिर भी गई तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क जो है वो बच जाएगी, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी बहुत बढ़िया हार्ड ड्राइव है। इसमें आपको साथ ही साथ, अगर आपको ऐसा लगता है कभी कभार कि आपका डाटा प्राइवेट रहना चाहिए, सिक्योर रहना चाहिए, तो इसमें एक और बढ़िया फीचर है इनबिल्ट इसका, वो है इसका 256 बिट का AES इंक्रिप्शन, इससे आपका डाटा सेफ और सिक्योर रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जिन लोगों को चाहिए सिर्फ परफॉर्मेंस यानी स्पीड, जिनका फर्स्ट मोटिव होता है कि उन्हें स्पीड चाहिए, स्पीड में डाटा इधर से उधर ज़्यादा ट्रांसफर होना चाहिए, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों, ना उनके लिए इंटरनल हार्ड ड्राइव काम आएगी, ना ही एक्सटर्नल वाली हार्ड ड्राइव काम आएगी। उन्हें यूज़ करनी चाहिए जो कि अभी मार्केट में बहुत ही आसान अच्छे रेट्स पे चल रही हैं, और न्यूअर टेक्नोलॉजी है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, सॉलिड स्टेट ड्राइव बहुत ज़्यादा फास्टर होती है जो हमारी मैकेनिकल वाली हार्ड ड्राइव है उनके मुकाबले। तो आप जो सॉलिड स्टेट ड्राइव वाली एक्सटर्नल है उसके साथ भी जा सकते हैं, वो है सैमसंग की 500GB T3 की जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है एक्सटर्नल वाली, वो काफ़ी बेटर है, वो यूएसबी पे चलती है और आपको काफ़ी बढ़िया स्पीड एक्सपीरियंस कराएगी हार्ड डिस्क मैकेनिकल वाली हार्ड डिस्क के मुकाबले। तो आप सॉलिड स्टेट ड्राइव में भी एक्सटर्नल में जा सकते हैं, वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप में से कुछ लोग जो है सोच रहे होंगे, क्या हम लोग, आप में कुछ सवाल आ रहे होंगे, क्या इंटरनल हार्ड ड्राइव को एज ए एक्सटर्नल यूज़ किया जा सकता है, या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को एज ए इंटरनल यूज़ किया जा सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हाँ, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। तो जो आपकी इंटरनल वाली हार्ड ड्राइव है उसके लिए मार्केट में कई सारे जो ऑनलाइन साइट्स पे है उसमें केस आते हैं, एक केस कवरिंग आती है, सेम वही जो आपको मैन्युफैक्चर्ड वाली केसिंग में दिखेगा जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में होता है, उसके अंदर आप उसे फिट कर देंगे तो जो इंटरनल हार्ड ड्राइव है वो एक्सटर्नल बन जाएगी, और उसमें आपको बस क्या है, एक पावर केबल और देनी पड़ेगी, और यूएसबी से आप डाटा को ट्रांसफर कर पाएंगे।
अब बात करते हैं एक्सटर्नल वाली ड्राइव की। तो दोस्तों एक्सटर्नल वाली ड्राइव में आपको मैं तभी यह रिकमेंड करूंगा जैसे कि आपकी काफ़ी पुरानी हो चुकी है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, उसकी वारंटी ओवर हो चुकी है। जब तक वारंटी में है दोस्तों तो उसे एज ए कवर में इस्तेमाल करिए, बेटर है। जब वारंटी खत्म हो जाए तो उस कवर को तोड़ दीजिए, खोल दीजिए, और जो इंटरनल वाली हार्ड ड्राइव निकलेगी पतली सी छोटी सी, उसे आप एज ए एक्सटर्नल एज ए इंटरनल इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पीसी में लगा कर। सेम वो यूज़ करेगी और आपको जो आप उससे पहले एक्सटर्नल पे स्पीड एक्सपीरियंस करते थे उससे कहीं ज़्यादा बेटर स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी उसी एक्सटर्नल ड्राइव पे जब आप उसे एज ए इंटरनली इस्तेमाल करेंगे। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में।